तो गाइस यार फ्लैश ने दारू पी रखी थी और उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था आखिर वो जा कहां पर रहा है। और उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और वो जाके सो गया ट्रेन की पटरी पर। और यहां पर दूसरी साइड से ट्रेन आ रही थी और ट्रेन ने फ्लैश के दोनों टांगों को तोड़ दिया। और अब फ्लैश लंगड़ा हो चुका है, व्हील चेयर पर चलता है और हमें फ्लैश को अपग्रेड करना पड़ेगा एक अल्टीमेट फ्लैश के अंदर जिससे वो लॉस सैंटोस को बचा सके। अरे डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी टूटी हुई टांगों को जुड़वा दो प्लीज डॉक्टर साहब। अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों करो, एक काम करो तुम दारू पी के ट्रेन के ट्रैक पर सो जाओ ना फिर से जाके। अरे डॉक्टर साहब गलती हो गई मानता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, पर प्लीज मेरी टांगों को सही कर दो वरना मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। और नहीं डॉक्टर साहब मेरी टांगों को सही करो, मेरी टांगों को सही करना ज्यादा जरूरी है। अरे अंकल आप वैसे बुढ़ापे में हो, टांगों को सही करवा के क्या करोगे, और रटेर को क्या पता मेरी कितनी जवानी बाकी है, अभी अभी तो मैं सिर्फ 90 साल का हुआ हूँ, 400 साल जीऊंगा। अरे यार ये बुढ़ा नहीं पता, अरे यार ये बुढ़ा नहीं पता कहाँ से आ गया फालतू, यहाँ पर मेरा इलाज रोक रखा है इसने। अरे अरे मैं तुम में से किसी एक का इलाज कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक इंजेक्शन है, इस वाले इंजेक्शन को लगवाने के बाद तुम्हारी टांगे फिर से सही हो जाएगी। बस प्रॉब्लम ये है मेरे पास ये सिर्फ एक इंजेक्शन है और मैं तुम में से किसी एक को ही दे सकता हूँ। ओए डॉक्टर मेरे को दे दे, मेरे को। नहीं नहीं डॉक्टर जी मेरे को दो, मेरे को दो। अरे मुझे पता था ऐसा होने वाला है, तुम लोग लड़ोगे इस इंजेक्शन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज करूंगा। तुम दोनों को इस व्हील चेयर के ऊपर बैठ के वहाँ सामने जाना है, जो सबसे पहले पहुँचेगा उसको मैं ये इंजेक्शन लगाऊंगा, आया तुम लोगों को समझ। अरे अंकल जी मैं तो मेरी व्हील चेयर के ऊपर बैठ के, आप बैठोगे जाके जब तो रेस स्टार्ट होगी, बैठो जाके। वो बैठे बैठ लिया, डॉक्टर साहब चलो स्टार्ट करो रेस। हाँ तो मैं रेस स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 और गाइस ये हम लोग चले। वो भाई साहब देख रहे हो आप लोग, ओ मैं तो जीतने वाला हूँ और ये मैं जीत गया, हुर्रा वुहू। ये देखो भाई साहब मैं सबसे पहले पहुंचा, इसका मतलब डॉक्टर साहब मेरे को मिलेगी वो सिरिंज। अरे एक सेकंड, अबे वो बुड्ढा तो सरका भी नहीं है वहां से। अरे अंकल जी आप तो सरके भी नहीं हो, अरे अंकल जी की व्हील चेयर कहाँ गई? अरे मुझे नहीं पता कहाँ गई। इसका मतलब ये सिरिंज मेरे को मिलेगी? हाँ हाँ तुम्हें ही मिलेगी। चलो गाइस यार हम लोग अपनी सिरिंज लेते हैं, लंगड़ाता चलता हूँ। ओके तो गाइस यार देखो ये रही हमारी सिरिंज, अपग्रेड होते हैं, लेट्स अपग्रेड। वो गाइस यार ये देखो मेरी टांगे सही हो गई, पर यार मैं तो एक रोबोट फ्लैश बन चुका हूँ। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया? अरे अरे अभी तुम्हें लगता है और भी ज्यादा सिरिंज की जरूरत पड़ेगी। अरे तो दो ना मेरे को और भी सिरिंज। अरे प्रॉब्लम ये है मेरे पास और सिरिंज है नहीं, इंजेक्शन तुम्हें और कहीं मिलेंगे। अब वो कहाँ पर मिलेंगे? चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आ जाओ मैं तुम्हें और इंजेक्शन दिलाता हूँ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो लेट्स गो। अरे डॉक्टर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आ गए, यहाँ पर मुझे कहाँ पर मिलेगा वो इंजेक्शन? अरे अरे इंजेक्शन होगा जभी तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ, वो इंजेक्शन देखो वो रहा पीछे उस बॉडी बिल्डर के पास, ये इंजेक्शन उस बॉडी बिल्डर का है, उसने मुझसे 1 महीने पहले खरीदा था। ओके तो गाइस यार देख रहे हो उस बॉडी बिल्डर के पास वो इंजेक्शन, पर उसके पास क्या कर रहे है? असल में इस इंजेक्शन से बहुत ज्यादा पावर मिलती है, तो सोचो जो लोग जिम करते हैं तो उनको कितनी ज्यादा पावर मिलेगी इंजेक्शन का यूज करने से, इसलिए बॉडी बिल्डर खरीदते हैं इस इंजेक्शन को। ओके तो चलो गाइस मतलब मुझे उससे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही। ओके चलो भाई चलते हैं, देखते हैं कि यार ये मेरे को इंजेक्शन देगा या नहीं देगा। यहाँ पर खड़ा होकर देखता हूँ मैं भी। हे अगर तुम में से किसी को ये इंजेक्शन चाहिए तो बहुत खतरनाक वाला कंपटीशन के अंदर पार्ट लेना पड़ेगा, तुम में से जो कोई भी उस कंपटीशन के अंदर जीतेगा उस बॉडी बिल्डर को मैं ये इंजेक्शन दूंगा, ये इंजेक्शन लगाने के बाद तुम्हारी बॉडी मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, आया तुम लोगों को समझ? एंट्री फीस है पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए देके तुम चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करोगे और साथ में जीतने वाले को मिलेगा ये खतरनाक सिरिंज। अरे बॉडी बिल्डर भाई साहब ये सिरिंज मेरे को दे दो ना। अरे 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 भाई बीच में क्यों बोल रहा है? अरे मुझे मिलेगी ये सिरिंज, तुझसे पहले आया हूँ और जीतूंगा यहाँ पर। अरे भाई मेरे को दे दो। अरे तूने सुना नहीं ये सिरिंज कैसे मिलेगी? 1,00,000 रुपए भर के तुम्हें चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अगर तुम जीतते हो फिर तुम्हें ये सिरिंज मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी तुम्हें ये सिरिंज। अरे भाई साहब मेरे पास तो 1,00,000 रुपए है ही नहीं। अच्छा तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए नहीं है तो तुम एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? तुम्हारी काफी अच्छी ऑडियंस है। हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त है, उनको बोलो कि मेरा नाम ले। क्या नाम लेना है? बोलो कि बेबी बॉडी वाला। ओके तो गाइस यार मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है उस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो यार ये बेबी करवाने वाला है, पर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो बेबी बॉडी वाला, जिससे यार मेरे को अपने ये खतरनाक चैलेंज में ले, जिससे मुझे सिरिंज मिले और भाई मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाऊं। हाँ तो जल्दी जल्दी लिख दो बेबी बॉडी वाला और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। गाइस यार कर दो, आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो बेबी बॉडी वाला। हाँ तो चलो सब लोगों ने लिख दिया होगा तो हम लोग चैलेंज स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बाकी लोग यहाँ पर आए नहीं है, लगता है बाकी लोगों को ये सिरिंज नहीं चाहिए। अरे मेरे को चाहिए, मेरे को मोटापा कम कर रहा है।
अरे भाई मेरे को चाहिए सिरिंज। अरे हाँ हाँ मैं तुम्हें दूंगा, जिसको भी दूंगा बता दूंगा, जो भी यहाँ जीतेगा। तो तुम्हें यहाँ पर बताऊँ क्या करना है। देखो सबसे पहले तुम्हें इस हल्क के मुंडी के ऊपर से कूदना है, इसको बिना टच करे पहले ये करना है। उसके बाद तुम्हें इस फाउंटेन के ऊपर से कूदना है बिना फाउंटेन को टच करे। और तीसरे लेवल पर तुम्हें इस छोटे से वोल्केनो के ऊपर से कूदना है बिना टच करे। और आखिर में और सबसे हार्ड लेवल जो है, रुको दिखाता हूँ मैं तुम्हें कहाँ गया वो माउंटेन, कहाँ चला गया। अरे ये रहा, तुम इस बड़े वाले माउंटेन को बिना टच किए कूदना है। अगर तुम में से जो ये कर देगा उसे मैं ये वाली सिरिंज दे दूंगा। अरे तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ना, ये मैं चला और मैं कूद जाऊंगा, ये मैं कूदा। अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कूद पाया, तो बहुत हार्ड था। अरे मैं तो हमेशा मोटा ही रहूंगा, भागो। अरे मैं ट्राई करता हूँ। अब ओए तू भी मोटा है, तू भी नहीं कूद पाएगा। अरे तुझे क्या पता मेरे बारे में, देखो मैं ट्राई करता हूँ और मैं कूद जाऊंगा, ये मैं कूदा। अरे ये क्या, मैं भी नहीं कूद पाया इसके ऊपर से, मतलब मैं भी हमेशा मोटा ही रहूंगा, चलो यहाँ से। हाँ इसके ऊपर कूदने के लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट, और जो मेरे अंदर है देखना, मैं इसके ऊपर से इजीली कूद जाऊंगा। देखो ये मैं कूद गया आसानी से। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये बॉडी बिल्डर्स के ऊपर से कूद गया, अगर ये सबके ऊपर से कूद गया तो अरे मैं कूदूंगा ही, देखो मैं इसके ऊपर से कूदता हूँ, ये मैं कूदा। अरे ये क्या, मैं तो साइड में कूद गया। अरे शिट लगता है मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और अब मेरी बारी है, और लाल खोपड़ी अब देखिए मैं जीतूंगा। अरे तू तो वही है ना जो बीच में बोल रहा था हमारे। अरे तू चल यहाँ से, मैं कूदता हूँ इसके ऊपर से, ये कूदा इजीली ये ले। अरे ये क्या, मैं ज्यादा आगे कूद गया, पर कोई बात नहीं, मैं एक और बार कूद लूंगा। ये ले मैं इसके ऊपर से कूद गया, ये देख रहे, और ये ले मैं इसके ऊपर से कूद गया, इजी पीजी। अब बच्चा वो बड़ा वाला पहाड़ कहाँ गया, बड़ा वाला पहाड़ तुम्हारे आ गई है। अरे ये काफी बड़ा है, पर इसके ऊपर से मैं कूद जाऊंगा। चला मैं, अरे ये क्या, मैं तो रह गया रे, ऊपर नहीं जा पाया, बहुत बड़ा पहाड़ है, मतलब मेरे को भी नहीं मिलेगी वो सिरिंज। अरे यहाँ पर सभी लोग हार चुके, क्या तुम जीत पाओगे? हाँ हाँ मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं हूँ एक फ्लैश, तो गाइस यार मैं एक फ्लैश हूँ तो मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ। तो चलो गाइस यार कूदते हैं इसके ऊपर। आप लोगों को बताऊँ क्या करना है, जैसे मैं पास जाऊँ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है जंप, जिससे मैं जंप लगाऊं। ओके 1 2 3 जंप, वो ओके। तो गाइस यार हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पहली जंप लगाई, अब आपको फिर से लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और ये जंप, और ये परफेक्टली हमने दूसरी जंप भी लगा ली है। अब ये छोटे वोल्केनो की बारी है, मेरे साथ लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर, और ये 1 2 3 जंप, और ये बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइस यार यहां पर हमने तीनों के तीनों कोर्स को कंप्लीट कर लिया, अब बचा वो बड़ा वाला पहाड़ कहां गया। तो गाइस यार अब बारी आती है इस बड़े वाले पहाड़ के ऊपर से कूदने के लिए, कूदने के लिए इसके लिए मेरे को बहुत ही ऊंची जंप लगानी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों को बताऊं क्या लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर, आप लोग लिख दो यार सुपर जंप, जिससे यार मैं इस बड़े वाले पहाड़ के ऊपर से भी कूद सकूं। ठीक है तो जल्द इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो सुपर जंप। अरे क्या पागल आदमी से मैं, अब चलना बुढ़िया यहां से तू। ओके तो गाइस यार लिखो सुपर जंप। वो भाई साहब कितनी ऊंची जंप लगाई तुम्हारे भाई ने, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो, और मैंने इस पहाड़ को क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब वो सिरिंज मेरे को मिलेगी। अरे कांग्रेचुलेशन लाल आदमी, दुनिया में पहली बार किसी ने मेरा खतरनाक वाला चैलेंज किया है। मेरे पास ये 4 महीने से सिरिंज, आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, पर तुमने ये सिरिंज जीत लिया, लो तुम्हारी सिरिंज ले लो तुम। ओके तो चलो गाइस यार लेते अपनी सिरिंज और अपग्रेड होते हैं, लेट्स अपग्रेड। वो गाइस यार ये देखो मैं कितने खतरनाक फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ भाई, मैंने आज से पहले ये वाला फ्लैश कभी भी नहीं देखा यार, क्या सॉलिड फ्लैश के अंदर अपग्रेड हुआ है तुम्हारा भाई सैमी। अरे वो डॉक्टर कहाँ गया यार, उस डॉक्टर ने मेरे को फोन करके यहीं पे ही बुलाया था, डॉक्टर डॉक्टर। ओके तो चलो गाइस यार फाइनली हमें डॉक्टर मिल गया। अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा देर हो गई, कहाँ रह गए थे तुम? अरे डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए थे? अरे मैं मेरे कपड़े बदलने चला गया था, और कहाँ जाऊंगा। अच्छा आप कपड़े बदलने चले गए थे, हाँ चलो अब जाओ। कहाँ पर? उस दरवाजे के पीछे। क्या इस दरवाजे के पीछे? असल में इस दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट लेबोरेटरी है, वहाँ पर तुम्हें अगला इंजेक्शन मिलेगा। फिर आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अरे प्रॉब्लम वो है कि उस लेबोरेटरी के अंदर कुछ बहुत ही भयानक हुआ था, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता। अरे तो मैं जाऊँगा तो? अरे वो तुम्हारा रिक्स, अगर तुम और भी ज्यादा अपग्रेड होना चाहते हो तुम उस लेबोरेटरी में जा सकते हो, अगर तुम्हें नहीं होना तुम रहने भी दे सकते हो। अच्छा हाँ सही समझा तुमने। ओके तो गाइस यार मेरे को रिक्स लेके शायद इस लेबोरेटरी के अंदर जाना ही चाहिए यार, क्योंकि मेरे को अभी और भी ज्यादा खतरनाक फ्लैश के अंदर अपग्रेड होना है। जाओ जाओ जाओ। तो चलो गाइस यार रिक्स लेके चलते इस लेबोरेटरी के अंदर, उसके अंदर कुछ मिलेगा तो नहीं मेरे को? अरे कुछ पता नहीं, कहते कि वहां पर अजीब से जानवर रहते हैं उस लेबोरेटरी के अंदर। ओके ओके तो गाइस यार ये सीक्रेट लेबोरेटरी है, चलो चलते हैं देखते हैं कि यार यहाँ पर क्या होने वाला है, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार हम लोग अंदर आ चुके हैं, और ये कैसी अजीब सी जगह है यार सैमी। ओए एक सेकेंड, यहाँ पर एक आदमी मरा हुआ है, और इसको हो क्या रखा है भाई? हेलो सर, हेलो
भाई साहब इसके मुंह पे कितना ज्यादा खून है, ये कैसी अजीब सी जगह है भाई। मेरे को अपना गार्ड ऊपर रखना पड़ेगा, पता नहीं कौन क्या मिल जाए। बंदूक रखता हूँ हाथ में, कोई मिलेगा तो मार डालूंगा। कोई है तो नहीं? हेलो, कोई है क्या यहाँ पर? ये क्या भाई, ये तो बहुत सारे सूट्स हैं यहाँ पर। ओ ये क्या चीज है भाई, ओ मारो इसको भाई, क्या चीज है ये अजीब सी। अरे मरना क्या है ये, मर गया क्या, वो गायब हो गया। गाइस यार मेरे को ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर इन लोगों को असल में इसने मार रखा होगा, ये जो अजीब सी चीज थी कुछ पता नहीं ये क्या चीज थी। वो तो सही, मैं बंदूक लेके आया हूँ। और ये देख रहे हो भाई तुम लोग कितने सारे मार्क्स और क्या क्या है यहाँ पर भाई, ये तो लगता है कोई इन्फेक्शन की जगह है। ये रहा एक और, इसको मारो। चलो मर गया क्या भाई, मार दिया। इसके हाथ में हथियार भी था यार, कितनी अजीब सी चीज है। चलो नीचे चलता हूँ, मेरे को तो वो ये रहा एक और। अबे कितने सारे यहाँ पर, ये मर गया क्या, वापस खड़ा मत हो जाइयो। नहीं, मरा नहीं है, दूर रहे मुझसे दूर रहे, मर क्या जा। अरे मर जा यार, क्या चीज है ये, मर ही नहीं रहा। दूसरी बंदूक निकालता हूँ, ऐसे नहीं मरेंगे। अरे कहाँ जा रहे, रुक रुक रुक, तेरी ऐसी तैसी। ये ली गया, मर जा मर जा मर जा। यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैं मेरा एक भी वेपन यूज नहीं कर पा रहा। ओ भाई ये चल रही है, तो यार यहाँ पर हमारी तोप चल रही है, तो मेरे को तोप से आसान से उड़ा सकता हूँ। जल गया, मर जा मर जा मर जा जल के। गाइस यार मेरी दूसरी गन से यहाँ पर चल नहीं रही है, पर यहाँ पर मेरी तोप चल रही है, और तोप से ज्यादा अच्छा और क्या रहेगा। चलो नीचे चलते हैं भाई साहब, कितने सारे लोग मार रखे हैं यहाँ पर। अबे ये क्या है भाई, ये कोई वायरस शायद, देख रहे हो आप लोग चारों तरफ फैला हुआ है यार, चारों तरफ फैला हुआ है ये वायरस। इस तरफ देखता हूँ भाई, सिरिंज मिलेगी कहाँ पर मेरे को। अबे यहाँ पर देखो एक और मरा हुआ आदमी है, कहाँ है आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर, और भाई साहब ये देखो कितने खतरनाक, ये देखो यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर भी है खतरनाक सा। अरे भाई अबे ये दरवाजा बंद है क्या, खुल जाना। अरे खुल जा, बंद है यार ये वाला दरवाजा, उस साइड से चलता हूँ। मेरे को जल्दी सिरिंज लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि ये मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दे। कहाँ पर है यार सिरिंज, एक तो भूल भुलैया से जगह है बिल्कुल सही में, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से अंदर आया था और कहाँ से अब बाहर निकलना है। वो यहाँ पर टूटा हुआ दरवाजा है। ओए एक सेकंड, शायद मैं आ चुका हूँ अंदर। ओए ये देखो वो रही वहां पर सिरिंज, यहाँ पर ये दीवार टूटी हुई है, यहीं से शायद ये वायरस बाहर निकला होगा। सभी के सभी साइंटिस्ट असल में इस वायरस के ऊपर कोई डिस्कवरी कर रहे होंगे, मतलब कोई रिसर्च कर रहे होंगे, और ये वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। और देखो वो रहा वो सिरिंज जो मेरे को चाहिए, और यहाँ पर कितने सारे साइंटिस्ट मार रखे भाई। मैं क्या करूं, इन लोगों को मार ही देता हूं। हाँ मेरे को इनको मारना पड़ेगा, पर सिरिंज टूट गई तो नहीं 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 यार, तोप का यूज मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर सिरिंज टूट गई गलती से तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी गन निकालनी पड़ेगी। पिस्टल चलेगी? अब जो पिस्टल चल रही थी वो वाली कौन सी थी? हाँ ये पिस्टल चल रही है फिलहाल। ओ भाई ये सिरिंज लेके कहाँ जा रहे हैं? ये ले मेरी सिरिंज लेके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये लो मर गए ना। चलो गाइस लगता है मर गया। अबे वापस खड़ा हो गया। अबे मर जाना भाई, क्या चीज है ये, गड्ढा कर रखा है इन लोगों ने। अरे मर भाई मर जा, क्या खा के आया है। अबे वापस खड़ा हो रहा है, कैसे मारूं इसको, इससे मारता हूं। अरे मार दो, ओ तेरी ऐसी तैसी, मेरे पास बता। रुक रुक रुक, अबे कोई दूसरी गन चल जा। अरे कोई दूसरी गन क्यों नहीं चल रही? अरे भाई क्या है, कुछ भी नहीं चल रहा, और ये वायरस अजीब सा हो रहा है यहाँ पर। अरे शायद मेरे हिसाब से गड्ढे में फंस गया है यहाँ पर। हाँ देख रही हूँ इस गड्ढे में से बाहर नहीं निकल पा रहा, यही मेरे पास मौका है, गड्ढे में फंस चुका है। जाके सिरिंज लेता हूँ जल्दी सी। ओके ये रही सिरिंज, इसको लेते हैं, लेट्स अपग्रेड। वो गाइस यार ये देखो हम लोग अपग्रेड हो गए, और ये क्या वो वायरस कहां चला गया, मतलब ये लोग मेरे पीछे हमला करेंगे। भागो भागो, कहां से आए थे, मेरे को जल्दी से यहां से निकलना पड़ेगा। वो रहा रास्ता, ओए दरवाजे भी खुल रहे हैं, इसका मतलब ये जगह एक्टिवेट हो चुकी है, ये वाला दरवाजा खुल रहा है। अरे इस तरफ नहीं नहीं, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, इससे पहले दरवाजा बंद हो। बाहर निकल गया, ऐसा ये बच गया भाई, ये दरवाजे खुल रहे बंद हो रहे अपने आप। इस वाले दरवाजे के अंदर चलते हैं। अबे भाई मैं आया कहां से था, मैं तो भूल ही गया यार। ओए वायरस पकड़ रहा है मेरे को। अरे शिट शिट, बाहर नहीं निकल पा रहा, बाहर निकल बाहर निकल, इस वायरस से बच के यार। कहां से है रास्ता? अबे ये वाला दरवाजा बंद हो गया, अब ये वाला खुला और ये भी बंद हो गया। अरे रास्ता कहाँ है यार, मैं कहाँ से आया था? अरे मर गया भाई। ए साइंटिस्ट मेरी मदद करो कोई तो, डॉक्टर मेरे को बाहर निकालो यहाँ से। अबे हेलो कैमरा में कोई देख रहा है? अरे खुल जा यार, ये वाला दरवाजा नहीं है जहां से मैं आया था, ऊपर के साइड आया था। हाँ मेरे को सीढ़ियां ढूंढनी पड़ेगी जल्दी से। सीढ़ियां कहाँ पर, सीढ़ियां कहाँ पर है, सीढ़ियां। अबे यहाँ पर भी नहीं है, उस साइड जाके देखता हूँ। चलो गाइस यार इस तरफ देखता हूँ। ओए फाइनली सीढ़ियां मिल गई मेरे को। ओए ये तो वही आदमी है, आदमी नहीं पता क्या है। जल्दी भागो, ये मेरे पीछे पड़ जाए इससे पहले। कहाँ पर है? चलो गाइस यार हम लोग ऊपर तो आ गए हैं। यहाँ पर देखो एक को मैंने मारा था इस साइड, तो रास्ता कहाँ पर है? ओए देखो वो रहा सामने दरवाजा। चलो इस बार निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। अबे ये मैं कहाँ पर आ गया, और ये कौन सी जगह यार? मैं तो कोई और दूसरी जगह से घुसा था ना उस दरवाजे में, शायद कोई दूसरे दरवाजे के अंदर घुसा होगा और इसलिए मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ। सीक्रेट लेबोरेटरी है ना, सीक्रेट दरवाजे है मतलब सारे के सारे, पता नहीं। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग अपग्रेड तो हो चुके हैं कम से कम। यार मेरे को अभी और भी ज्यादा अपग्रेड होना है, इसके लिए मेरे को और भी ज्यादा सिरिंज।
चाहिए होगी। चलो यार डॉक्टर के पास चलते, क्या पता मेरे को और भी ज्यादा खतरनाक फ्लैश के अंदर अपग्रेड कर सके। लेट्स गो। वाओ ये क्या भाई, ये देख लो आप लोग, इस वाले फ्लैश सूट के साथ क्या खतरनाक वाली पावर्स आ गई मेरे पास। वाह भाई साहब, देख रहे हो यार ये वाला फ्लैश का सूट सही कमाल का है। ये देखो क्या मस्त उड़ पा रहा है तुम्हारा भाई। वो भाई मजा आ रहा है सही। अबे ये देखो मैं लेजर्स भी मार पा रहा हूँ हाथ में से। ये कूल कूल कूल, ये ले। वाओ वाओ वाओ, गाड़ियां देख रहे हो कैसे तोड़ रहा है तुम्हारा भाई। भाई मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ सेमी। ये वो कहाँ गई गाड़ी, दिखाई नहीं दे रही, कितनी ऊंची फेंक के मारी तुम्हारे भाई ने। इसको एक और पंच मारेगा तुम्हारे भाई जाके, हवा में मारूंगा सीधा। ओ अरे ये क्या भाई, ये पावर्स मेरे को कंट्रोल करने नहीं आ रही है, गिर गया मैं तो। लगता है अभी ये पावर्स ढंग से एक्टिवेट नहीं हुई है, मतलब यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा भी सूट ज्यादा ताकतवर नहीं है। मेरे को भी और भी ज्यादा अपग्रेड होना होगा, उसके लिए मेरे को डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। चलो गाइस यार डॉक्टर के पास चलते हैं जल्दी से वापस। गाइस यार पता नहीं डॉक्टर कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है मेरे को। अबे ये इतने सारे लोग यहाँ पर भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं। अरे भाई साहब क्या हो गया। अरे खुद देखो तुम टीवी पर। अबे ये क्या, अभी टीवी पे क्या चल रहा है। अबे ये तो इविल फ्लैश है यार। लॉस सैंटोस में हो चुकी है बर्बादी, जब से फ्लैश हुआ है गायब। इविल फ्लैश ने लॉस सैंटोस में बर्बादी फैला रखी है, अगर फ्लैश वापस नहीं आए तो लॉस सैंटोस को तबाह कर देगा इविल फ्लैश। फ्लैश हमारी मदद करो। ओ गाइस यार ये तो इविल फ्लैश है और ये लॉस सैंटोस को तबाह कर रहा है। भाई साहब मेरी टांग टूट गई, शायद उसको पता चल गया होगा। पर यार मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ, शायद या हूँ या पता नहीं यार मेरे को, पर मैं चाहता हूँ इतना ज्यादा ताकतवर बन के जाऊँ कि मैं फ्लैश को आसानी से हरा जाऊँ इविल फ्लैश को। यार उसके लिए मेरे को और जल्दी जल्दी अपग्रेड होना होगा, इससे पहले कि वो लॉस सैंटोस को तबाह करते हैं। जल्दी चलो यार डॉक्टर को ढूंढता हूँ। अरे डॉक्टर, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे मिल ही नहीं रहे हो, आखिरकार मिल गए। अरे मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम खुद नहीं आ रहे हो। हाँ बताओ कहाँ पर अगला सिरिंज। अरे अगला सिरिंज यहाँ पर है। कहाँ पर। अगला सिरिंज इस भूल भुलैया के अंदर है, और मेरे को नहीं पता इस भूल भुलैया में कहाँ पर वो सिरिंज। आखिर ये सिरिंज इस भूल भुलैया में कैसे पहुँच गई। अरे मैंने पता नहीं यार, एक टाइम पर रखी थी और मैं भूल गया, मैं चाहता था किसी गलत आदमी के हाथ ना लगे, इसलिए मैंने इस भूल भुलैया के अंदर रख दिया था। अबे यार गाइस यार ये बहुत बड़ी भूल भुलैया है, इसके अंदर तो बहुत टाइम लगेगा। अरे ढूंढ लो ना, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर ज्यादा टाइम लगा तो लॉस सैंटोस तबाही हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो। हाँ इविल फ्लैश लॉस सैंटोस को तबाह कर रहा है धीरे धीरे करके। अरे तो फिर तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। चलो गाइस यार जल्दी चलते हैं। भाई यार ये तो बहुत बड़ी वाली भूल भुलैया है, मेरे को जल्दी से उस सिरिंज को ढूंढना पड़ेगा। गाइस यार तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ पर है तो मेरे को बता सकते हो अगर तुम लोगों को कोई भी आइडिया हो तो, वरना मेरी हेल्प करो जल्दी से उसे ढूंढने में। अबे यहाँ पर तो रास्ता ही खत्म हो गया, उस तरफ चल के देखता हूँ। गाइस यार आप लोग मेरी एक तरीके से मदद कर सकते हो, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे फाउंड, तो गाइस यार हर बार सिरिंज में से एक आवाज आएगी, समझ रहे हो, जिससे मैं उस सिरिंज के पास जा सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो फाउंड। अबे ये क्या घूम फिर के, मैं तो बाहर ही आ गया वापस। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो फाउंड, जिससे सिरिंज आवाज करे और हम सिरिंज के पास जा सके। जल्दी जल्दी लिखो यार। ए, ये कैसी आवाज है। ये देखो भाई ये वो ये आवाज है शायद जिसके बारे में बात कर रहा था। तुम लोग फाउंड लिखोगे तो और भी आवाज आएगी। ओ भाई उस तरफ से आवाज आ रही है। चलो 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 चलो। ओ फिर से आई, मतलब मैं काफी ज्यादा पास हूँ उस रेंज के। इस तरफ चलता हूँ भाई साहब। अरे क्या यार मेरे को लगा रास्ता ही खत्म हो गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी भागो। अरे यार आ तो रही है मेरे को आवाज। अबे ये तो स्लो गई, मेरे हिसाब से मैं गलत साइड जा रहा हूँ, आवाज धीरे हो रही है तो मतलब मैं गलत साइड जा रहा हूँ। हाँ हाँ उस तरफ जाके देखता हूँ। ओए आवाज तेज हुई, मतलब मैं काफी ज्यादा पास हूँ उसके। चलो 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 उस तरफ चलो वापस। अबे फिर स्लो हो गई यार। अबे यार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं तो सही में बहुत ज्यादा। चलो इस तरफ देखते हैं। अरे यार ये घास तो हर तरफ एक जैसी है ना, कुछ अलग होना थोड़ा बहुत भी तो मैं ढूंढ सकता हूँ उस सिरिंज को, पर यार यहाँ पर सब कुछ ही एक जैसा है। ओए काफी तेज आवाज आई भाई इस बार। मेरे को ऐसा क्यों लगता है अगर मैं इस दीवार के उस तरफ जा सकूं तो मेरे को शायद सिरिंज मिल जाएगी। जाके देखता हूं। अबे नहीं यार इस तरफ देखो जाने का रास्ता ही नहीं है इस तरफ, इसका मतलब सिरिंज यहीं पर कहीं पर ही है यार। बस रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को जाने का, क्योंकि भूल भुलैया होती है ऐसी कि रास्ता नहीं मिलता है भाई। अरे कहां पर यार, घूम फिर के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। ओए काफी तेज आवाज आई, ऐसा लगता है इस दीवार के पीछे ही है बिल्कुल। अरे यार रास्ता कहाँ है, दिमाग खराब हो रहा है मेरे को बहुत तेज वाला। कमेंट बॉक्स के अंदर तुम लिखो जल्दी से फाउंड फाउंड। गाइस यार काफी देर से ढूंढ रहा हूँ भाई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया सही में।
ओए तेज आई आवाज, तेज आई मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा हूँ। इस तरफ गया और ये यहाँ पर, अबे कहाँ यार, मैं तो फिर घूम गया यार, कहाँ पर यार वो सिरिंज, अरे घूमता ही जा रहा हूँ। ओए फाइनली हमें सिरिंज मिल गई, कब से ढूंढ रहा हूँ यार मैं इसको। चलो गाइस यार अब अपग्रेड होते बिना टाइम वेस्ट किए, कहाँ पर गई ये री, लेट्स अपग्रेड। ओ तो तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। आज के रैम चैलेंज में तुम में से जो कोई भी जीतेगा उसको मैं देने वाला हूँ 3-3 सिरिंज बड़ी बड़ी वाली। अरे डॉक्टर वो तो ठीक है पर ये लोग कौन है? अरे तुम नहीं जानते है छोटा बच्चा, अबे ये तो रिवर्स फ्लैश है ना। हाँ मैं ही हूँ रिवर्स फ्लैश। ओ मुझे नहीं लेना देना किसी फ्लैश या रिवर्स से, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। तुम्हें यहाँ से बाइक लेनी है और यहाँ से सामने जाना है बच बुचा के, मुझे नहीं पता कैसे चलाओ मोटरसाइकिल तुम, पर यहाँ से जाना टेढ़ा मेढ़ा, फिर इन बोतलों के ऊपर से इधर जाना है, फिर जंप लगा के यहाँ जाना है, उसके बाद तुम पहुँचोगे यहाँ पर और यहाँ पर तुम्हें मिलेगी वो 3 सिरिंज जिसका मैंने बोला है। सबसे पहले मैं जाऊँगा। अरे ओए छोटे से बच्चे तू यहाँ पर कर क्या रहा है? अरे तो मेरी हाइट छोटी है इसलिए मैं छोटी बाइक चलाऊंगा, इस वाली बाइक पे मेरे पैर पहुंच जाएंगे। गाइस यार अब वैसे तेरे को उस सिरिंज की क्या जरूरत है? अरे मेरे शरीर के ऊपर देखो धब्बे हैं, मेरे को एक अजीब सी एलर्जी हो रखी है, उसके लिए मेरे को वो दवाई चाहिए। अरे ये क्या, ये बाइक फच क्यों गई? अबे बच्चे अगर लो सेंटोस नहीं बचेगा तो तू अपनी दवाई लेके क्या करेगा? अरे अंकल कौन सा लो सेंटोस? ये क्या था भाई? अरे अंकल ये क्या था? गाइस यार लगता है इनमें से एक लकड़ी नकली थी और एक असली थी। अरे मैं तो चला पोती थी ये तो। अरे गाइस यार ये बच्चा इतनी इजीली बाइक कैसे चला रहा है? अरे ये क्या, आगे रास्ता नहीं था, अरे बताओ। अब मेरी बारी। रिवर्स फ्लैश मत कर ऐसा, तू लॉस सैंटोस को तू क्यों तबाह करना चाहता है? रोक सके तो रोक लेना, एक बार मुझे ये सिरिंज मिल जाए उसके बाद मैं और भी खतरनाक फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। गाइस यार अगर यहाँ पर ये फ्लैश जीत तो समझ लेना तुम्हारे भाई ने जितनी मेहनत की है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। भाई मेरी टांग टूटी, अपनी टांग को सही किया और उसके बाद मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करके अपने आप को अपग्रेड किया है यार, मैं उस लैब में गया और साथ में यार मैंने उस बॉडी बिल्डर के चैलेंजेस को भी कंप्लीट करे, मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ पर ये रिवर्स फ्लैश मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर जाएगा ऐसे तो। वो तो मैं फेरूंगा ही, टाइम बताएगा। गाइस यार ऐसा नहीं होने देना, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो इविल फ्लैश मर जा, जल्दी लिख दो यार मुझे कोई नहीं मार सकता। गाइस यार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो किल इविल फ्लैश जिससे ये मर जाए, अगर ये यहाँ पर जीत गया तो भाई सब खत्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है यार, इसको रोको। डर लग रहा है लगता है तुम्हें मुझसे, बस एक जंप और, अरे ये क्या शिट, ये बोतल कितनी खराब है, मेरा टायर फिसल गया बाइक का। चलो गाइस यार अब है तुम्हारे भाई की बारी और मेरे को किसी भी हालत में ये रैम चैलेंज जीतना है, क्योंकि यार मेरे को 3 सिरिंज चाहिए जिससे मैं अल्टीमेट फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो सकूं, और भाई साहब बस और मेरे को अपग्रेड ही होना है, उसके बाद कोई भी लॉस सैंटोस को चोट भी नहीं पहुंचा सकता, देखेगा भी नहीं क्योंकि मैं इतना ज्यादा ताकतवर फ्लैश बन जाऊंगा। और ये बिल्कुल परफेक्टली बच गया भाई, थोड़ा सा रह गया। और नहीं 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 धीरे करना धीरे करना, मैं भी अभी यहाँ सामने कूदा देता बाइक को उस बच्चे की तरह और मैं भी डिस्क्वालीफाई हो जाता। अरे स्लो जा वो तो सही है यार, जो मेरी बाइक उसके अंदर 4 डिस्क ब्रेक है, 2 आगे 2 पीछे, इसलिए हम लोग आराम से अपनी बाइक को कंट्रोल करके आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया एकदम नाइस। वो भाई ये घूमता हुआ चक्रा काफी हार्ड था सही में, अगर थोड़ी गलती करते तो मैं उसको साथ ही घूम जाता। अब इन बस के ऊपर से जाना और ये भी हो गया। ओ शिट, ओ नो 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 नो, भाई ये क्या गड़बड़ हो गई यार, मेरी हाइट ज्यादा है ना इसलिए यार मैं आगे नहीं जा पा रहा। ए चला जा यार, अरे नहीं 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 नहीं, अरे घुस जाऊं यार इसके अंदर, एक बार नहीं घुस पा रहा यार मैं इसके अंदर, अब मैं क्या करूं? अरे मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है, अब तुम क्या करोगे? मैं काम कर सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सबसे पहले तो इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। देखो जैसे मैं चढ़ गया इसके ऊपर, अब मैं ये लो भाई साहब मैंने देखो अपनी बाइक को भी ऊपर रख लिया, भाई ताकतवर होने के अलग ही मजे हैं यार सही में। ये देखो यार आगे चलो हम लोग यहाँ पर ऊपर बिल्कुल परफेक्टली धीरे धीरे करके, बस आगे जाना आराम आराम से। ओ भाई बस थोड़ा सा और, हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है जीतने के, और ये थोड़ा सा, अरे बिल्कुल परफेक्टली यार सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अब मेरे को यहाँ से बच गया भाई उसकी तरह जाई, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और ये हम लोग चले फुल स्पीड पर, हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये लगाई हमने खतरनाक वाली जंप, ओ भाई दिखाई नहीं दे रहा और मैं आज का हूं ट्यूब के अंदर, इसका मतलब सामने सिरिंज मिलेगी मेरे को और ये हम लोग जीत गए। इसका मतलब हमें ये सिरिंज मिलेगी और हम लोग एक अल्टीमेट फ्लैश के अंदर अपग्रेड होने वाले, जल्दी से इनको लगाता हूं और अपने आप को अपग्रेड करता हूं, लेट्स अपग्रेड। गाइस यार ये देखो फाइनली हम लोग अपग्रेड हो चुके 3 हेडेड फ्लैश के अंदर। ओह माय गॉड मैं क्या कमाल लग रहा हूं यार। और गाइस यार यहां पर अब मेरे से
डर चुका है कौन भाई? ईविल फ्लैश डर चुका है और वो लॉस सैंटोस को छोड़ के भी जा चुका है। गाइस यार फाइनली हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं अल्टीमेट फ्लैश के अंदर। और गाइस यार सोचो, एक वक्त में मेरी टांगें टूट गई थी पर तुम्हारे भाई ने मेहनत करके अपनी अपनी टांगों को सही किया और ताकत और फ्लैश के अंदर अपग्रेड हुए। तो चलो गाइस यार आज के बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी मैं छोटे लाइक करता हूं, चैनल पर पहली बार भूल बैठ गया तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में स्टोरी के साथ, जब तक ले सायोनारा। We're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on.